बच्चों हमारी शॉर्ट स्टोरीज कंटिन्यू थी और शॉर्ट स्टोरीज में हम अरुंधती रॉय मैम की पपाचीज मौत कर रहे थे। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था अरुंधती रॉय मैम के लिए। जी हाँ, अरुंधती रॉय जो है शिलोंग बॉर्न है, और अगर हम इनकी बात करें तो ये ना सिर्फ वास्तुशास्त्री हैं, ये ना सिर्फ फिल्म मेकर हैं, इट्सेल्फ नॉवलिस्ट तो हैं ही है ये, और हम कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट न्यू दिल्ली में रहते हुए ये बहुत ही अच्छी ह्यूमन राइट्स के ऊपर और एनवायरनमेंट के ऊपर उग्र कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। हम बात करें अरुंधती मैम की, तो अरुंधती मैम की जो क्वालिटीज़ है वो अपने आप ही शो होती हैं कि उन्होंने जो पॉइंट्स उठाए हैं फ्रस्ट्रेशन के, वो पॉइंट्स यहाँ पे द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पे बहुत ही अच्छे से हमें दिखाई देते हैं, और उसी का एक्सट्रैक्ट हमने कवर किया है पपाचीज मौत में। हमने इसका सेकंड पार्ट में आपको स्टोरी बताई थी बच्चों, स्टोरी कंटिन्यू थी हमारी, और मैं आपको रिकॉल करवा दूँ स्टोरी कि कैसे जो पपाची हैं वो एक कीट वैज्ञानी होते हैं और न्यू दिल्ली से आफ्टर रिटायरमेंट अपने गाँव आकर रहने लग जाते हैं। वहाँ पर आने के बाद में उनकी जो मिसेज है, जिनको हम यहाँ पे ममाची कहते हैं, ममाची आकर अचार का बिजनेस करना शुरू कर देती हैं। हम देखते हैं कि ममाची को ज़्यादा दिखता नहीं है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने आप में संतुष्ट हैं और अपने आप को बिज़ी रखती हैं, और अचार के काम में वो इतना मशगूल हो जाती हैं कि एक मेले में जब उन्हें ऑफ़र मिलता है कि आप अपने केले के जैम और मैंगो का पिकल्स लेके आइए, और वहाँ पे हाथों हाथ ही सब बुक हो जाता है और नए ऑर्डर्स भी उनको मिल जाते हैं, तो उनके लिए तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है, और उन्होंने अपनी एक नई पहचान बना ली होती है वहाँ पर। जबकि हम पपाची की बात कर रहे हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों कि जो पपाची है वो ना सिर्फ फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, उसका रीज़न भी हमने आपको बताया था कि एक तो उनका जो खुद का वर्क किया हुआ है उसके ऊपर उनको कहीं पे कोई नेम एंड फेम नहीं मिलता है। सेकंड थिंग, वो अपने मिसेस को पहले तो कभी कभी मारते थे, बट अब उनका डेली नाइट में एक बार अपने मिसेस को मारना, और मारना भी ऐसे वैसे नहीं, जो फ्लावर वेस होता है उससे वो मारते थे। कई चीज़ें हमें इंट्रैक्ट करती है, कई चीज़ें हमें परेशान करती हैं। इनका बेटा जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है चाको, और उन्हें नौकायन का बहुत शौक है। नौकायन के लिए आते हैं, एक वीक बाद में वो क्या देखते हैं कि स्टडी में से तो आवाज़ें आ रही है, और वो वहाँ पे जाते हैं तो देखते हैं कि उनके जो फादर हैं ममाची उनकी मदर को बुरी तरह पीट रहे हैं। चौको को बहुत गुस्सा आता है, वो क्या करते हैं अपने फादर का गुलदान जो पकड़ा हुआ था उसको पकड़ के उस हाथ को पीछे मूवमेंट दे देते हैं और स्ट्रिक्टली कहते हैं, फादर ये गलत बात है, आप गलत कार्य कर रहे हैं, इन द नेक्स्ट टाइम यू विल नॉट डू दिस थिंग। ऐसी परिस्थितियाँ होने के बाद में पपाची जो है वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और नियर फ्यूचर उन्होंने कभी भी ममाची से बात नहीं की। अगर कभी बात भी उन्हें करनी होती थी तो वो मीडिएटर के थ्रू बात करते थे, अपनी बेटी या बेटी के बच्चों के थ्रू वो वहाँ पे अपने बात को रखते थे, और कहीं ना कहीं वर्किंग वुमेन्स को टॉर्चर करने का काम करते थे। वर्किंग वुमेन यहाँ पे बच्चों हमने देखा ममाची हैं, उनकी खुद की पत्नी हैं, और उनके जब भी इवनिंग टाइम में कस्टमर्स आने का टाइम होता था पिकल्स इत्यादि खरीदने के लिए, तो जानबूझ के पपाची जो है अपना शर्ट ले लेते बाहर और उसके बटन टाँकना शुरू कर देते। हम क्या देखते हैं कि बटन टाँकना एक्चुअल में नहीं होता था, बिकॉज बटन टूटे हुए ही नहीं थे, बट फिर भी कहीं ना कहीं वो ये लोगों को साबित करने में कामयाब हो गए कि जो वर्किंग वुमेन्स है वो अपने परिवार की ठीक से केयर नहीं करती हैं। मैनी सर्कमस्टेंसेस आर देयर, एक और गलत आदत उन्होंने डाल ली थी, वो थे ड्रिंक करने की। जी हाँ, ड्रिंक करते थे वो, और उसी दरमियान एक बार क्या हुआ, उनका ड्रिंक ग्लास में एक कीट पतंग आके गिर जाता है। जैसे ही पपाची उस कीट पतंगे को बाहर निकालते हैं वो क्या देखते हैं, अरे इसको मेजरमेंट करता हूँ, और उनको कहीं ना कहीं एक उनकी बैक में
जो मौत है उनकी बैक में एक समथिंग डिफरेंट एहसास होता है, और उनको लगता है अरे इस कीट पतंगे की तो पहली बार की खोज हुई है, और वो फटाफट फर्स्ट ट्रेन पकड़ के दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। बट हम क्या देखते हैं कि अल्टीमेट इतना भाग दौड़ करते हैं, अल्टीमेट अपने आप को साबित करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका अपने आप में साबित होना पूर्ण नहीं हो पाता है। रीज़न बिहाइंड इट कि वो अपने काम से खुद तो सेटिस्फाई थे, बट उनके काम को वो पहचान नहीं मिल पाई थी जो मिलनी चाहिए थी। सेकंड थिंग, उनकी मिसेज जो हैं वो एनी टाइम बिज़ी रहती थी, और उसी बिज़ी रहने के दरमियान ही हमने देखा ना बच्चों कि कैसे वो जो हैं कहीं ना कहीं काम में सेटिस्फाई हैं, और अपने आप को एक अच्छी महिला, वर्किंग महिला प्लस हाउसवाइफ के रूप में अपने आप को अच्छा एस्टेब्लिश करती हैं। पापाची ने कार भी ले ली, बट कार में भी उनका क्या रोल था बच्चों कि कार में ना ममाची बैठेंगी ना कोई बच्चे बैठेंगे, ओनली एंड ओनली पापाची हैं वही कार को लेके पूरे गांव में घूमते थे। तो बच्चों ये कई सारी बातें हमने हमारे सेकंड पार्ट में कंटिन्यू की। अब हमारी बारी आती है हमारे स्टोरी को कंटिन्यू करने की। तो रेडी विद मी, अपनी अपनी बुक्स ओपन कर ली है, आई नो वेरी वेल। तो हम भी तैयार हैं पार्ट थर्ड के लिए। पार्ट थर्ड में हम बात करते हैं कि कैसे पापाची अपनी यात्रा को कंटिन्यू कर रहे हैं। लेपिडो पेट्रिस डिसाइडेड दैट पापाची's मौत वॉज इन फैक्ट अ सेपरेट स्पीसीज एंड जीनस हिथेटो अननोन टू साइंस। अब क्या हुआ, ये जो लेपिडोपेट्रिस्ट थे, कीटों का अध्ययन करने वाले लोग थे, उन्होंने ये चीज़ अध्ययन की कि जो पापाची ने खोज की थी वो स्पीसीज ना सिर्फ जीनियस मतलब समथिंग एक से ज़्यादा प्रजाति के समूह से अननोन थी, और अभी तक ऐसी प्रजाति की खोज किसी ने भी नहीं की थी। बाय देन ऑफ कोर्स पापाची हैड रिटायर्ड एंड मूव टू आईएमएनएम। और तब तक क्या हुआ था, पापाची जो हैं वो रिटायरमेंट ले चुके थे और आईएमएनएम चले गए थे। इट वॉज टू लेट फॉर हिम टू एसर्ट हिज क्लेम टू द डिस्कवरी। और अब तक बहुत देर हो चुकी थी कि पापाची जो हैं वो अपनी खोज को आगे नहीं साबित कर पाए थे। His mouth was named after the acting director of the department. और यही reason रहा कि at present जो वहाँ पर acting director थे department में, उनके नाम पर उस mouth का नाम रख दिया गया। और हम क्या देखते हैं, entomology a junior officer whom Papachi had always disliked। और नाम भी किसके ऊपर रखा गया बच्चों, एक ऐसे जूनियर ऑफिसर के नाम पे रखा गया जो एट प्रेजेंट एक्टिंग डायरेक्टर बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात है, पापाची जो हैं उन्हें कभी भी पसंद नहीं करते थे। तो यहाँ पे हम कहीं ना कहीं पापाची के फ्रस्ट्रेशन को महसूस कर रहे हैं, हमें रियलाइजेशन हो रहा है कि पापाची को जो एक्चुअल में नेम एंड फेम मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पाया है। In the years to come, even though he had been ill, humored long before he discovered the moth, Papachi's moth was held responsible for his black moods and sudden bouts of temper. और यही सब हम देखते हैं बच्चों कि कई सालों के बाद में भी जो पापाची का दिमाग ख़राब हुआ हुआ है या इल टेम्पर्ड हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो गुस्सा हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों के लिए वो अब किसको रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। जी हाँ, वो रेस्पॉन्सिबल मान रहे हैं उस खोज को जो की तो उनके द्वारा गई थी, लेकिन उसका जो श्रेय है, क्रेडिट है, वो किसी और को दे दिया गया। इट्स Pernicious ghost, grey, fury and without unusual dense dorsal tufts. हम क्या देखते हैं, Pernicious घातक, एक तरह से घातक भूत की तरह हालत हो गई थी, grey, fury, और हम क्या देखते हैं, unusual dense dorsal जो tufts की हमने बात की थी हमारे second part में, वो कहीं ना कहीं इन्होंने खोज की बट वो साबित नहीं कर पाए, और इसकी वजह से जो पूरा घर है
इस खोज को अपने नाम नहीं करा पाना और उससे फ्रस्ट्रेटेड होना, इसकी वजह से जो पूरा घर है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत परिस्थितियों में चला गया था। हॉन्टेड एवरी हाउस दैट ही एवर लिव्ड इन, और हर उस घर में जिसमें वो रहते थे उनमें उनकी जो फ्रस्ट्रेशन है, उनका जो गुस्सा है, वह जाहिर होता है। इट टॉर्मेंटेड हिम एंड हिज चिल्ड्रन एंड हिज चिल्ड्रंस चिल्ड्रन। और ये ना सिर्फ वो पपाची के लिए नुकसानदेह हो रहा था, पपाची के पूरे फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए और बच्चों के बच्चों तक को नुकसान पहुंचाया जा रहा था। अनटिल द डे ही डाइड, जी हाँ, हम पपाची की ही बात कर रहे हैं बच्चों। अनटिल द डे ही डाइड इवन इन द शिफलिंग आई एम एन हीट एवरी सिंगल डे, पपाची वोर अ वेल प्रेस्ड 3-piece suit एंड हिज गोल्ड पॉकेट वॉच। हम क्या देखते हैं बच्चों कि पपाची जो है, जिस दिन उनकी डेथ हुई थी उस दिन तक उनका जो रूटीन था, हमने आपको बताया कार का, और क्या रूटीन था बच्चों, स्टिफलिंग। स्टिफलिंग मीन्स विकास को रोकना। इट मीन्स M&M आने के बाद में भी उन्होंने अपनी जो गरिमा थी उसको बनाए रखने की, कि मैं एक जॉइंट डायरेक्टर हूँ और एक्स जॉइंट डायरेक्टर हूँ तो मेरा एक सुपीरिटी तो बनता है ना, तो उसको बनाने की कोशिश की। और इतनी गर्मी होने के बावजूद M&M में वो हर डे हमेशा प्रेस किया हुआ 3-piece suit पहनते थे। इसके अलावा उनके पास में गोल्डन वॉच थी बच्चों, वो हमेशा उस गोल्डन वॉच को कैरी करते थे। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते थे, लेकिन अंत में क्या हुआ, फ्रस्ट्रेशन से कहीं ना कहीं वो अंदर के अंदर हर्ट होते रहते थे और उनकी डेथ हो गई। हम क्या देखते हैं, उनके ड्रेसिंग टेबल की चीज़ों को स्टडी करते हैं कि उन्हें क्या क्या शौक थे, क्या क्या चीज़ें वो अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रखते थे। ऑन हिज ड्रेसिंग टेबल नेक्स्ट टू हिज कॉलगन एंड सिल्वर हेयर ब्रश ही केप्ट अ पिक्चर ऑफ हिमसेल्फ एज अ यंग मैन विद हिज हेयर स्लिक्ड डाउन टेकन इन अ फोटोग्राफ्स स्टूडियो इन Vienna where he had done the 6 months diploma course that had qualified him to apply for the post of imperial entomologist। हम उनकी दराज, उनकी टेबल को देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कॉलग्न, कॉलग्न मीन्स इत्र की सेंट की सीसी पड़ी हुई है। इसके अलावा सिल्वर हेयर ब्रश उनकी टेबल की शोभा बढ़ा रहा है। एक और मेन चीज़ है कि उनकी खुद की एक, जब वो यंग थे, एक फोटोग्राफ वहाँ पे है। स्लिक्ड डाउन इट मीन्स अच्छे से उनके बालों को, जो बहुत ही करीने से बालों की कंघी की हुई थी, वैसी एक बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ उन्होंने अपने ड्रेसिंग टेबल पे रख रखी है। और वो फोटोग्राफ कब की है बच्चों, फोटोग्राफर्स स्टूडियो जो वियना में है वहाँ पे वो फोटो खींची गई थी। और वियना में ही उन्होंने 6 months का डिप्लोमा कोर्स किया था जिसके लिए वो क्वालिफाई हो गए थे। और उसी क्वालिफाई होने की वजह से ही हम क्या देखते हैं, उनकी जो जॉब है वो इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट के रूप में लगी थी। तो सारा श्रेय उस 6 months डिप्लोमा कोर्स को भी ज़रूर जाता है, उनके शौक़ भी है। इसके अलावा हम क्या देखते हैं बच्चों, It was during those few months they spent in Vienna that Mamachi took her first lessons on the violin. जी हाँ, जब ये दोनों वियना में रहते थे उन्हीं दिनों की बात है। पपाची ने तो 6 months का डिप्लोमा कोर्स किया था, और जो ममाची हैं, उनकी पत्नी हैं, वो कुछ महीनों में वहाँ पे वायलिन के लेसन्स लेती थी, वायलिन सीखती थी वो वहाँ पे। द लेसन्स वर अब्रप्टली डिसकंटिन्यूड व्हेन ममाचीज टीचर लॉन्स्की टिफेंथल मेड द मिस्टेक ऑफ टेलिंग पपाची दैट हिज वाइफ वॉज एक्सेप्शनली टैलेंटेड एंड इन हिज ओपिनियन पोटेंशियली कंसर्न क्लास। अब होता क्या है, वो उनके वायलिन क्लासेस कंटिन्यू तो थी, बट एक मिस्टेक उनके म्यूज़िक टीचर के द्वारा हो गई। उनके म्यूज़िक टीचर ने पपाची, जो उनके हस्बैंड हैं, उन्हें एक बार कह दिया कि क्या पपाची सर, आपको पता है आपकी ये जो वाइफ है ना, ये ओवर टैलेंटेड लेडी है, बहुत अच्छा सीखती हैं, बहुत जल्दी सीखती हैं, और मेरे हिसाब से तो इन्हें कंसल्ट क्लास में भेजा जाना
चाहिए। अब ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं पपाची को डाइजेस्ट नहीं होती है बच्चों, और हम क्या देखते हैं, उनका अपना एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने एक ऐसा सेफर जोन बना रखा था कि कहीं पे भी नेम एंड फेम मिले तो मुझे मिले, कहीं पे भी प्रोग्रेस हुए तो मुझे हुए। तो अब उन्होंने क्या किया, क्या ममाची कंटिन्यू कर पाई हैं, क्या ममाची अपने शौक को रखती हैं या नहीं रख पाती हैं, लेट्स रीड। ममाची पास्टर्ड इन द फैमिली फोटोग्राफ एल्बम द क्लिपिंग फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस दैट रिपोर्टेड पपाची's डेथ। हमने क्या देखा कि जो ममाची हैं वो कंटिन्यू नहीं रख पाई थी, उनके वॉयलिन को तोड़ दिया गया था और वो वहाँ पे कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाई थी। हम बात कर रहे थे एक इंसिडेंट की, जहाँ ड्रेसिंग टेबल हमने बात की, जहाँ पे हमने बात की कि कैसे उनका जो काम है वो शो हो रहा है, कैसे जो उनका आउटर अपीयरेंस है, 3-piece सूट में घूमना, गोल्डन वॉच लेके घूमना, वो सब देखा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, उनकी डेथ हो चुकी है बच्चों। तो उनकी डेथ हो चुकी है तो ममाची वहाँ पे उनकी पत्नी का अब क्या रिएक्शन हो रहा है, लेट्स सी। ममाची ने क्या किया, जो फैमिली फोटोग्राफ एल्बम था उसमें इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज़ आई थी, जो न्यूज़ क्या कह रही थी कि पपाची की डेथ हो चुकी है। इसके अलावा भी उसमें लिखा हुआ था, इट सेड नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट श्री बेनन जोसेफ आईपी सन ऑफ लेट रेवरेंस ई जॉन आईपी ऑफ IMNM popularly known as Munniyan Kunju suffered a massive heart attack and passed away at the Kottayam General Hospital last night. हम क्या देखते हैं बच्चों कि ये जो ममाची हैं बहुत दुखी होती हैं, बहुत परेशान होती हैं और बहुत रोती भी हैं। उसका रीज़न भी है, उनके हस्बैंड है, क्या इसलिए रो रही है, आई थिंक नो। उनके दोनों में प्यार था ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते, बट हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पपाची की आदतें जो हैं वो हैबिचुअल कर गई थी ममाची को। और हम क्या देखते हैं कि ममाची ने जो इंडियन एक्सप्रेस में एक शोक संदेश आया था उसको फोटोग्राफ एल्बम में कटिंग करके लगा लिया है, और जो शोक संदेश है वो इस तरीके से है, नोटेड एंटोमोलॉजिस्ट बहुत बड़े कीट वैज्ञानिक श्री बेनन जॉन आयप्पी, किसके बेटे थे ये, सन ऑफ लेट रिवे ई जॉन आयप्पी के बेटे थे और IMNM में रहते थे, जिसको और क्या कहते हैं, पुन्नयन कुंजू कहते हैं। वो बहुत ही मासिव मीन्स अत्यधिक तीव्र हार्ट अटैक उनके हो गया था, और उस अत्यधिक तीव्र हार्ट अटैक की वजह से उनकी डेथ हो गई है। और हम क्या देखते हैं, उनकी डेथ का जगह भी वहाँ पे एक्सप्रेस किया गया था, कोट्टायम जनरल हॉस्पिटल पिछली रात को। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं ममाची जो है उस कटिंग को देख रही हैं, उसे एल्बम में लगा रही हैं। ही डेवलप चेस्ट पेन्स अराउंड 1:05 AM एंड वॉज रश्ड टू हॉस्पिटल। आगे कंटिन्यू करके उसे PRO की न्यूज़ जो है आगे कंटिन्यू करके बताया गया है कि रात को 1:05 के आसपास उनको सीवियर हार्ट पेन हुआ था और उसी की वजह से उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। द एंड केम एट 2:45 AM श्री आयप्पी हैड बीन कीपिंग इन डिफरेंट हेल्थ सिंस लास्ट 6 months। पूरी अच्छी खासी न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस की थी जिसमें बताया गया था कि 1:05 पे उनको हॉस्पिटल लाया गया, लेकिन 2:45 पे श्री आयप्पी की डेथ हो गई थी और उनके जो इश्यूज थे उनकी वजह से वो पिछले 6 महीनों से बीमार चल रहे थे। ही सर्वाइव्ड बाई हिज वाइफ सुषमा एंड 2 children। और जब डेथ हुई थी तो उस वक्त हम क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी जिनको सुषमा या हम ममाची कह रहे हैं वो और उनके दोनों बच्चे वहाँ पर मौजूद थे। तो ये सब जो PRO की न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में आई थी, इस कटिंग को ममाची फोटोग्राफ एल्बम में लगा लेती हैं।
लेकिन पापा जी के जब फ्यूनरल होता है, फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार, जब उनका दाह संस्कार होता है उस वक्त मामा जी का जो मूड है वो बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वो दुखी हो जाती हैं। कैसे होती हैं देखिए बच्चों, एट पापाचीज फ्यूनरल ममाची क्राइड एंड हर कॉन्टेक्ट लेंसेज स्लाइड अराउंड इन हर आइज। इतना रोती हैं ममाची, इतना रोती हैं कि उनकी आँखों के जो कॉन्टेक्ट लेंस हैं वो वहाँ से खिसक जाते हैं। एमो टोल्ड द ट्विंस दैट ममाची वॉज क्राइंग मोर बिकॉज शी वॉज यूज टू हिम देन बिकॉज शी लव्ड हिम। अम्मू जो उनकी बेटी होती हैं वो अपने ट्विंस बच्चों को क्या कहती हैं, ममाची उनकी नानी माँ इसलिए रो रही हैं क्योंकि वो पपाची के यूज टू हो गई हैं। इट मीन्स घर में एक बंदा है और उसको हमें खाना बना के देना है, उसकी आवश्यकताएं पूरी करनी है, और वो फैक्ट्री के आसपास घूमेंगे और वो ऑब्जर्वेशन करेंगे और कई बार वो टीजिंग करेंगे। तो जो ममाची हैं वो इन सब की हैबिचुअल हो गई थी। और एक और कारण बताती हैं, बिकॉज शी लव्ड हिम, ऐसा कुछ भी वो नहीं बताती हैं। शी वॉज यूज टू हैविंग हिम स्लाउचिंग अराउंड द पिकल फैक्ट्री एंड वॉज यूज टू बींग बिटन फ्रॉम टाइम टू टाइम। कंटिन्यू बताती हैं कि वो तो उनके आदतों को शिकार हो रही थी और स्लाउचिंग उनका जो सुस्त रूप से फैक्ट्री के आसपास घूमते रहना, ममाची को ऑब्जर्व करते रहना, उनके काम को ऑब्जर्व करते रहना भी ममाची ने क्या देखा कि पापाची का ये सब करना भी अब उनके खुद की दिनचर्या का हिस्सा बन गया था कि इट्स ओके ही इज़ मूविंग अराउंड आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो ये सब चीज़ें जो है उन्हें यूज टू कर रही थी उन्हें कई बार मारा जाना पापाची के द्वारा। तो ये सब जो चीज़ें हैं यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि कहीं पे भी प्यार नहीं है, बट हैबिचुअली यूज टू हो जाना वो यहाँ पे शो कर रहा है। अम्मू सैड दैट ह्यूमन बीइंग्स वर क्रिएचर्स ऑफ हैबिट एंड इट वॉज अमेजिंग द काइंड ऑफ थिंग्स दे कुड गेट यूज टू। अम्मू कहती हैं कि ह्यूमन बीइंग्स, हम जो इंसान हैं, ये ऐसे आदतों के शिकार प्राणी हैं जो कि किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को यूज टू कर लेते हैं। यू ओनली हैड टू लुक अराउंड यू, अम्मू सैड, टू सी दैट बीटिंग्स विद ब्रास वेसेस वर द लीस्ट ऑफ देम। और बोले कि आप अपने चारों तरफ देखो। जो अम्मू हैं वो अपने फादर पपाची के लिए बताती हैं कि पपाची तो मेरी मदर ममाची को एनी टाइम ब्रास वेसेस से मारते थे, पर कहीं ना कहीं मेरी जो मदर है वो इतना यूज टू हो गई थी उनकी कि जब उनका डेथ हुआ उनके फ्यूनरल पे वो भयंकर रो रही हैं। और ये हम क्या देखते हैं कि ये इशू उठाने के पीछे हम सोच सकते हैं कि अरुंधति रॉय मैम का क्या रीज़न रहा होगा। जी हाँ, आप देखिए, हमने आपको अभी बताया स्टार्टिंग में कि कहीं ना कहीं अरुंधति रॉय मैम ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ रही हैं। तो यहाँ पे भी अगर हम बात करें कि एक इतना बड़ा ऑफिसर होके अपने घर में वो क्राइम कर रहे हैं, इट मीन्स वो गलत काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूज़ टू होना अलग बात है। क्यों? क्योंकि मामाची यूज़ टू हो गई थी कि ठीक है, इनका डेली का आदत है, मार लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ें हैं वो गलतियों को बढ़ावा देती हैं। इंसान जो है वो कहीं ना कहीं गलत काम करते रहते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है कि हम यहाँ पर गलत है भी क्या। तो बच्चों, हमारे हिसाब से अरुंधति रॉय मैम की ये जो बुक है, इसे वास्तव में बुकर प्राइज़ जो मिला है वो सही मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही अच्छा इशू राइज किया था। तो हमने अभी कहानी पढ़ी पपाची मौत की, और हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो कुछ ना स्वर्स का आएगा। बच्चों, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।